फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयूर अग्रवाल एंड आई एम हेयर फॉर द सेकेंड विद द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर फोर्स। फर्स्ट पार्ट में हमने मोमेंट ऑफ फोर्स और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ी थी। आज हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड पार्ट, द फर्स्ट हेडिंग इज, द फर्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पढ़ना है। मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, वॉट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड moment of force. So here we have to apply moment of force due to the effect of on a rod. एक rod पर जब बहुत सारे forces लग रहे हों या किसी एक particular object पर बहुत सारे force लग रहे हों, तो उस condition में उन पर उन moments का क्या effect होता है, ये बताता है हमें principle of moments. So if the statement of principle of moment is in the position of equilibrium, अगर किसी object पर बहुत सारे forces लगे हुए हैं और वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज एन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम है तभी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करेंगे। सो इक्विलिब्रियम में अगर है, सो देयर आर सम फोर्सेस व्हिच आर टर्निंग द ऑब्जेक्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सम फोर्सेस आर टर्निंग द ऑब्जेक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उनमें से जो भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज टर्न करा रहे हैं उनका मोमेंट्स अलग निकाल लेंगे, उनको सम अप कर लेंगे, और जो फोर्सेस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं उन सभी का मोमेंट ऑफ फोर्स अलग निकाल लेंगे, उनको अलग सम अप कर लेंगे। ये जो दोनों का सम आएगा, सम ऑफ टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट एंड सम ऑफ टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सो लाइक दिस, अगर मान लीजिए अभी एक रॉड लेते हैं जो यहां से फलक्रम है, दिस इज द साइन ऑफ फलक्रम, इसे हमने ओ साइन से रिप्रेजेंट कर दिया है, ओ पर फलक्रम है और इस रॉड पर टोटल चार फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री एंड डब्ल्यू फोर। डब्ल्यू वन की डिस्टेंस फलक्रम से डी वन, डब्ल्यू टू की डिस्टेंस डी टू, डब्ल्यू थ्री की डिस्टेंस डी थ्री और डब्ल्यू फोर की डिस्टेंस फलक्रम से डी फोर। ऑल द डिस्टेंसेज शुड बी टेकन फ्रॉम द फलक्रम ओनली, सारी डिस्टेंसेज फलक्रम से ही ली जाएंगी। सो अब अगर हम देखें, सो W1 और W2 ये दोनों फोर्सेस ऑब्जेक्ट को इस और डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, इसे आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज, और जो W3 और W4 है वो इस और रोटेट करा रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज। सो W1 एंड W2 आर रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड W3 एंड W4 आर रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज। सो हमारा स्टेटमेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, सो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन से थे, W3 एंड W4। सो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा, W3 और इसकी डिस्टेंस, सो W3 इंटू D3। W4 वाले का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा, W4 इंटू D4। इसी तरह फर्स्ट वाले W1 का कितना है, W1 इंटू D1 और W2 वाले का है W2 इंटू D2। सो ये हमारे पूरे क्लॉकवाइज है और ये पूरे एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अगर यहाँ पे मान लीजिए तीन फोर्सेस होते तो तीन में से हो सकता है दो क्लॉकवाइज में होते, एक एंटी क्लॉक में होता, या दो क्लॉक में होते एक एंटी क्लॉक में होता, तो इस तरह कोई भी सिचुएशंस हो सकती हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट कि दोनों तरफ हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में दो दो ही फोर्सेज हों, एक एक भी हो सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द डायग्राम विच यू हैव मेड, ठीक है, ये सारी चीजें डायग्राम पर डिपेंड करेंगी। सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का स्टेटमेंट एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, इन द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम द सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड द डिवाइस, और जो डिवाइस इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है वो है बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, जो हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कई जगहों पर सब्जी वालों के पास, फल वालों के पास, दुकानों में, शॉप्स वगैरह में कई जगह ये चीज़ देखते हैं। जो भी हमारी फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस होती है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर वर्क करती है। इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है बोर्ड्स में, न्यूमेरिकल्स में, एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर जरूर आएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम ओनली, अगर इस डायग्राम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चलोगे सो यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देख लेना है कितने फोर्सेज वहाँ पर दिख रहे हैं, उन फोर्सेस में से कौन से फोर्सेस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज टर्न करा रहे हैं, कौन से फोर्सेस एंटी क्लॉक टर्न करा रहे हैं, दोनों को सेपरेटली देख लेना है। उसके बाद हर फोर्स की व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच फोर्स फ्रॉम द फलक्रम, फिर सबकी डिस्टेंस क्या है फलक्रम से, देन यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स सेपरेटली एंड देन अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज प्लेस देम, देन यू विल फाइंड द आंसर। ओके,
आफ्टर कंप्लीटिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बहुत ही आसान शब्दों में हम डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जिस पर उस ऑब्जेक्ट का पूरा वेट कंसीडर किया जा सके। जैसे कि आप कोई भी एक यूनिफॉर्म शेप है, जैसे अगर ये मैं मार्कर लेता हूँ, इस मार्कर का अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, एक नीडल लेनी होगी, नीडल के टिप पर मुझे इस मार्कर को बैलेंस कराना है और ऑब्वियसली वो पॉइंट कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही आएगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे रेगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रेगुलर शेप्ड और यूनिफॉर्म शेप्ड, उनमें सभी में एक बीच में एक ऐसा छोटा पॉइंट होता है जिस पर उस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट कंसीडर किया जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन इसकी समझना चाहते हैं तो फिर हमें इसे ध्यान से समझना होगा। ये कंसीडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट। वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, इनफाइनाइट पार्टिकल्स। हर ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और हर इंडिविजुअल पार्टिकल का अपना अपना वेट है। तो यहाँ पर बहुत सारे वेट दिख रहे हैं, एक पार्टिकल है जिसका वेट W1 है, एक पार्टिकल का वेट W2 है, एक पार्टिकल का वेट W3, इसी तरह W4, W5, इस तरह बहुत सारे इन्फाइनाइट पार्टिकल्स और सबका वेट अलग अलग है। अब अगर आप ऑब्जर्व करिए तो इसमें से कुछ वेट ऐसे होंगे विद दे आर रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इनमें से कुछ वेट ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहे होंगे और कुछ वेट ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ऐसा पॉइंट है किसी ऑब्जेक्ट पर सिचुएटेड, एक ऐसा पॉइंट जिस पर सभी वेट्स के जितने भी पार्टिकल्स हैं, सभी पार्टिकल्स के वेट का जो सम ऑफ मोमेंट है दैट विल बी जीरो। So we can define the center of gravity as the point on the object such as the sum of all the particles moment of weights must be zero at this point. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जिस पर उसके सभी पार्टिकल्स के वेट की वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है, उन सभी मोमेंट ऑफ फोर्सेस का सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और नॉर्मल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर ऑल ऑफ इट्स वेट या होल ऑफ इट्स वेट कंसिडर टू बी एट, जिस पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा वेट कंसीडर किया जा सके उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए W=W1+W2+W3, ठीक है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी का वेट किसके इक्वल होगा, टोटली W के। इसीलिए आप देखे होंगे जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हो उसका वेट जब भी आपको रिप्रेजेंट करना होता है आप उसके मिड पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि मिड पॉइंट पर ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डायग्रामेटिकली दिखाते हो और उसका वेट रिप्रेजेंट करते हो तो आप कभी भी यहां से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ना ही यहां से करोगे, आप हमेशा कहां से करते हो, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो अब बात आ जाती है, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स का, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का, वो फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे कि एक रॉड है, दैट इज अ सिलिंड्रिकल रॉड, एक सिलिंड्रिकल रॉड है, सॉलिड रॉड है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसकी एक्सिस के हाइट के एक्सिस के मिड पॉइंट पर होगा। जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है, एक रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल शेप है, तो उसके जो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। कोई सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो जो उसका सेंटर होगा वहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो इस तरह जितने भी रेगुलर शेप्ड वेल डिफाइंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइंड होता है, हम बता सकते हैं। बट इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइंड नहीं होता है, उन्हें फाइंड किया जाता है। ओके, सो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यू हैव टू लर्न, लाइक मैंने बताया रेक्टेंगुलर लैमिना डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पर। अगर मैं आपसे कहूँ ट्रायंगुलर लैमिना, सो ट्रायंगुलर लैमिना का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस होता है, मीडियंस आप ड्रॉ करोगे इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बात आ जाती है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्या इसे चेंज किया जा सकता है। सो यस, इसे हम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को चेंज करके। जैसे अगर हम एक वायर की बात करें, एक पतला सा वायर ले लोगे आप तो वायर एक सिलेंड्रिकल शेप को कैरी ऑन करेगा, उसके शेप को
फॉलो करेगा तो वायर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उस वायर की लेंथ के मिड पॉइंट पर होगा। लेकिन अगर उसी वायर को शेप दे दिया जाए एक सर्कल का या एक ट्रायंगल का, हॉलो सर्कल या हॉलो ट्रायंगल ऑब्वियसली बनेगा, तब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी टोटली डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि ऑब्जेक्ट में मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करने वाला सिर्फ एक फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जिसे हम नॉर्मल वर्ड्स में कह सकते हैं शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप अलग कर दिया तो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है या कई बार ये बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इज इट पॉसिबल दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आउटसाइड द मटेरियल? सो यस, आंसर है यस। कभी ऐसे केसेस जितने भी हमारे हॉलो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हॉलो स्फेयर, अ रिंग, अ मेटेलिक डिस्क, ये जितने भी बूमरैंग, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, इन सभी एग्जांपल्स में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है दैट इज लाइज आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। जैसा अगर मैं एक बूमरैंग बनाऊं, इस तरह का बूमरैंग बनता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ कहीं पर होगा जो कि उसके मटेरियल से बाहर होगा। अगर मैं एक सर्कुलर रिंग बनाता हूँ तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा। अगर एक मैं मेटेलिक डिस्क बनाता हूँ तो डिस्क का शेप कुछ ऐसा होता है, तो इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी इसके एम्प्टी स्पेस पर होगा। सो द फैक्टर विच अफेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और वी कैन से शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड यस, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आउटसाइड द मटेरियल। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, गिव टू एग्जाम्पल्स इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आउटसाइड द मटेरियल। सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक डिस्क और अ सर्कुलर रिंग। So this is center of gravity. I am repeating again. What is center of gravity? Center of gravity किसी भी object का वो point होता है जिस पर उस object का पूरा weight consider हो। और अगर हम moment of forces के terms में बात करें, so center of gravity of an object is a point where the sum of all moments of the particles of weight must be zero. किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जिस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी के वेट का मोमेंट ऑफ फोर्स, उनका सम जीरो हो जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का रेगुलर अगर है तो वेल डिफाइंड होगा, फिक्स होगा, और अगर इररेगुलर है तो फिक्स नहीं होगा। नाउ द लास्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट वॉन्ट्स टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एज लो एज पॉसिबल। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ सरफेस के जितना पास कर दोगे, ग्राउंड सरफेस के जितना पास कर दोगे, वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा इक्विलिब्रियम में स्ट्रांगली रह सकता है। यही रीजन है कि जो भी कार्गो शिप्स होते हैं, कार्गो शिप्स किसी भी एक एरिया में अगर कार्गो कैरी करके ले जा रहे हैं तो वहां से वो खाली नहीं वापस आते हैं। उनके शिप्स में, उनके डेक्स में सैंड, आयरन या कुछ भी वेट का मटेरियल भर दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो खाली वापस आएंगे तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ ऊपर उठ जाएगा, ग्राउंड सरफेस से या कह सकते हैं वाटर सरफेस से ऊपर उठ जाएगा। और अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ गया तो उनके लिए इक्विलिब्रियम बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और वो गिर सकते हैं, पलट सकते हैं, दे कैन सिंक इन साइड वाटर। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज्यादा ग्राउंड के पास होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन पढ़ी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़े हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स आपने सीख लिए, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, खासकर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये सारा मैटर हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्स में कंसिडर करता है। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसे पहुंचाइए। अगली वीडियो के वेट करिए। थैंक यू।